हमारे चैनल आबिद रांझो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं हूं आपका प्यारा भाई दोस्त आबिद हुसैन और मेरे साथ हैं जैन। और आज हम जा रहे हैं गांव में फार्म पे। कहाँ जा रहे हैं जैन, आप बताएंगे? हम जा रहे हैं दाएं देखने, उधर ना फार्म है, उधर ना बहुत सारे ना तत्ते हैं। जी जी। और हमारी हाँ, और जैन इन्हें बताइए कि हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी वीडियो देते थे, लाइक करें थे, फॉलो करें थे और सब्सक्राइब करें। हाँ, और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। और जैन अच्छी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैन इन्हें बताए, हम वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, आप वीडियो हमारी पूरी देखा करें। हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप देखते भी नहीं हैं। हाँ, आप पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है, लाइक। जी जैन, आप इन्हें क्या मशवरा देंगे? हम तो मेरे दोस्त है जी, वो भी कट्टे दाएं रखते हैं जी, दोनों चट्टियां चट्टियां वो बेच दो। हम जा रहे हैं फार्म पे, वीडियो चीज नहीं करनी है। ये कह रहा है कि हमारी वीडियो पूरी देखनी और स्किप नहीं करनी, हम फार्म पे जा रहे हैं, आए हम आपको फार्म दिखाते हैं। छोटा सा फार्म है और फायदा बहुत है उसका। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गायें हैं यहाँ पे, इस तरफ भी हैं। और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, देखिए। जैन साइड पे हो जाओ, ये देखें बहुत ही प्यारी गायें हैं माशाल्लाह। जैन साइड पे हो जाओ, अभी एक और फार्म है छोटा सा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलें वहाँ पे चलते हैं। और ये भी अगले साल के लिए है, 2023 की कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह फार्म का काम बहुत ही अच्छा है। फार्म का काम करने से अगर आपका मतलब गाय जो है ना वो दूध अच्छा दे रही हैं तो आप काफ़ी आमदनी इससे हो सकती है, जिससे ये आमदन 1-2 लाख 3-4 गांव से निकाल लेते हैं, गाय से निकाल लेते हैं। 3-4 गाय हों तो ये 1-2 लाख आराम से निकाल लेते हैं। और गाय अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, अगर आपके पास गाय अच्छी नस्ल की है तो पैसे आप अच्छे कमा सकते हैं। और ये नज़र भाई हैं, देख सकते हैं आप, इनके पास भी फार्म है, छोटा सा बनाया है उन्होंने। इनके पास 3-4 गाय हैं तो इनका इरादा है कि और रखने का इरादा है कि अच्छे कहती डेली का 40-50 किलो दूध सेल हो जाता है। आप देख सकते हैं इनके पास ये भैंसें भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी प्यारी हैं नस्ल की, नस्ल अच्छी रखते हैं। ये देख सकते हैं उस तरफ भी हैं, ये देखिए भैंस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हैं। ये भैंस जो है वो एक दिन का माशाल्लाह 20-25 किलो दूध देती है, अगर खुराक अच्छी हो तो ये 25 किलो तक दूध देती है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है। मामू का कहना ये है कि जानवर आप अच्छा रखें। देखें एक जो जानवर नस्ल कम नस्ल का है ना, उसने भी खाने हैं, ठीक है, चारा वगैरह खाना है, उससे बेहतर है आप अच्छी नस्ल के जानवर रखें ताकि आगे नस्ल भी अच्छी हो और जानवर भी अच्छे बने, ठीक हो गया। और माशाल्लाह ये कह रहे हैं कि इरादा है और भी काफ़ी मतलब भैंस वगैरह रखने का और गाय वगैरह रखने का, एक दिन का 3-4 मन दूध सेल करते हैं ये दोनों। जी जी, ये दोनों।